मिशेल कुमार जो है उसने अपनी किताब लाइब्रेरी मैनेजमेंट में दी है, बहुत अच्छी बुक है लाइब्रेरी मैनेजमेंट। इंडियन ऑथर है कृष्ण कुमार और उसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है, उसने अपनी बुक में मैनेज लाइब्रेरी मैनेजमेंट में ये डेफिनेशन दिया कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू एंड विद द पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। कि मैनेजमेंट क्या है कि काम को मुकम्मल करना खुद या जो ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ है उससे कराना है। यानी मैनेजमेंट इस चीज़ का नाम है कि आपने जो एक डिपार्टमेंट है उसके वेरियस आपने काम कर रहे हैं। अब एक शख्स इतना कैपेबल नहीं हो सकता कि वो सारे के सारे काम खुद से करे, ठीक है। हर शख्स की एक लिमिटेशन होती है ना, और हर अब जैसे मैं यार डायरेक्टर हूँ तो इसका मकसद ये है कि मैंने सारे काम खुद नहीं करने, मैंने लोगों को डायरेक्शन देनी है, लोगों की ड्यूटीज लगानी है कि किसने क्या काम करना है, और मैं ये काम जितनी एफिशिएंटली से करूंगा उतनी ही ज्यादा मैनेजमेंट बेहतर होगी। आपको मैनेजमेंट का बेहतरीन का अंदाजा ये लगेगा कि किसी इदारे के अंदर अगर आपको डिसिप्लिन लगता है, लोग जो है अपने काम के अंदर मसरूफ रहते हैं, आपको फारिग नहीं देते, और जब कोई रीडर आता है या लोग उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन विदाउट डिले उनको मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका जो मैनेजर है या आपकी जो मैनेजमेंट है वो कितनी काबिल है। और मैनेजमेंट का दूसरा काम ये होता है कि वो लोगों की ज़रूरियात का बिफोर टाइम अंदाज़ा लगाए और लोगों के मसाइल हल करने की तरफ जाए, ठीक है। जो इदारे के काम है, जो डिपार्टमेंट के काम है, उनको भी टाइम पे किया जाए, और जो लीडर्स की रिक्वायरमेंट है या डिमांड है उनको भी टाइम पे पूरा किया जाए। देखिए किसी भी कंप्लीशन में वर्क में जो टाइम होता है ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि ये इदारा या ये टाइम कितना एफिशिएंट है, ठीक है। आप देखिए किसी चीज़ को कोई आपकी क्यूरी होती है या कहीं से आपने कोई काम कराना होता है, आप वहाँ पे जाते हैं और फौरी तौर पे आपका मसला हल हो जाता है तो आपके माइंड्स के अंदर ना पॉजिटिव वेव्स आती हैं उस इदारे के बारे में, और चीज़ें जब आपको वेल मैनेज नज़र आती हैं तो आपके दिल में एक अच्छा ख्याल पैदा होता है कि ये देखें कितने अच्छे लोग हैं जिन्होंने हर काम को बहुत अच्छे अंदाज में किया होता है। वही अगर आपको जाके वहाँ यही पता ना चले कि कौन सी जगह पे हमने जाना है, कैसे हमने एक दूसरे को हेल्प करना है, कोई डिसिप्लिन नज़र ना आए, लोग आपके साथ कोऑपरेट ना हो, तो ये बैड मैनेजमेंट को जाहिर करती है। गुड और बैड मैनेजमेंट का फ़र्क ही ये है कि जो चीज़ें बहुत स्मूथली सिस्टमेटिकली जो है कंप्लीट हो तो वो हम कहते हैं कि ये एक बड़ा अच्छा ग्रुप है, एक बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, एक बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर लोग कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करते हैं और कुछ चीज़ों को टाइम पे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये दो डेफिनेशंस मैनेजमेंट की मैंने आपको बताई। उसके बाद मैनेजमेंट फंक्शंस और प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो फंक्शन है ना वो फाइव चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली हर मैनेजर की फाइव किस्म की असाइनमेंट्स हैं जो कि उसने परफॉर्म करनी होती है। नंबर वन क्या है? प्लानिंग। नंबर टू क्या है? ऑर्गेनाइजेशन। नंबर थ्री क्या है? स्टाफिंग, ठीक है। नंबर चार क्या है? इसको जनरली हम जो है ना नाम देते हैं पोस्ट कॉर्प। ये मैं आपको लिख कर ना मैं उसमें बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं ये कितने होते हैं, फाइव या सिक्स होते हैं। क्या इसको कहते हैं? पोस्ट कॉर्प। क्या नाम है? पोस्ट कॉर्प। ये मैंने लिखकर आपके ग्रुप में सेंड कर दिया। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो ये होते हैं पोस्ट कॉर्प। देखिए इसके अंदर पी जो है वो फॉर प्लानिंग, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, एस फॉर स्टाफिंग, डी फॉर डायरेक्शन, सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, आर फॉर रिपोर्टिंग और बी फॉर बजटिंग।
ये जो है वो बेसिकली काम है, मैं एक इनको लिख दूं ताकि आपको आसानी हो। पी से क्या है? प्लानिंग, ठीक है। और उसके बाद मैंने कौन सा बताया? ओ, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एस फॉर स्टाफिंग, ओ फॉर डी फॉर डायरेक्शन, ठीक है, ये आपने ठीक बताया, फिर डी फॉर डायरेक्शन, और सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, जे। ये जी सारा तो बहुत तेजी से इसने लिख दिया, क्या बात है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सब लोगों ने लिख लिया होगा, क्योंकि आपकी टाइपिंग स्पीड ज़रा ज़्यादा है सायरा बीबी की, है। वैसे भी आजकल के नौजवान ना ज़रा जल्दी जल्दी टाइप कर लेते हैं। और सी ओ फॉर कोऑर्डिनेशन, शाबाश, वेरी गुड। रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, वेरी गुड। चलें जी, आप लोगों ने लिख लिया, मैंने लिखना छोड़ दिया, मैं बोल कर ही गुजारा कर लेता हूँ। तो ये जो है सिक्स है, ये कितने हैं? ये फाइव सेवन है ना, गुड। तो ये सेवन चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कि ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इनको हम तफसील के साथ आपके पूरा जो ये कोर्स है इसके अंदर हम ये सेवन चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये आपका जो कोर्स बुक है उसके अंदर बड़ी डिटेल के साथ ये सारी चीजें दी हुई हैं। इंडिविजुअली हम सबको जो है इसमें डिस्कस करते चले जाएंगे जब इनकी बारी आएगी। आज जो मेरा टॉपिक है वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो अब तक के एफपीएससी के या पीपीएससी के एग्जाम दिए हैं जो आपके लिए, उनमें ये लाजमी आता है। और 19th ग्रेड का जब मेरा था उसके अंदर भी ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट उन्होंने पूछे थे, और इसका बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपने तवज्जो के साथ सुनना है। जी मैं आपको कर देता हूँ। इसके साथ साथ मैं इस फाइल इसको ना ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, और ये डाउनलोडिंग ऑप्शन भी मैं इसकी ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखिए, मैनेजरियल स्किल जो है उसके लिए थ्री टाइप्स होती है। पहली स्किल्स क्या है, उसको कहते हैं कंसेप्शनल स्किल्स। दूसरी स्किल्स क्या है, टेक्निकल स्किल्स। और तीसरी क्या है, ह्यूमन रिलेशनल स्किल्स। तीन किस्म की स्किल्स जो है ना किसी भी मैनेजर के लिए, मैनेजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है। पहली को हम क्या कहते हैं, मैनेजेरियल स्किल्स। दूसरी को हम क्या कहते हैं, कंसेप्शनल, अपना कंसेप्शनल स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स और ह्यूमन रिलेशनल स्किल्स। समझ आ रही है? देखिए, कंसेप्शनल जो स्किल्स होती है, दिस स्किल्स आर रिक्वायर्ड बाय द एम्प्लॉय हु आर इन टॉप लेवल मैनेजमेंट। यानी अगर आप डायरेक्टर हैं, डीजी हैं, तो ये जो आपके कॉन्सेप्ट हैं ये इदारे के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इदारे में वही फिलॉसफी प्रिवेल करती है जो कि उसके हेड ने दे दी होती है। वो चाहे तो लोगों को सीधा भी कर सकता है, वो चाहे तो लोगों को निकम्मा भी कर सकता है। तो ये उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है कि आपके इदारे का हेड कैसा है, उसके क्या। अच्छा, कंसेप्शनल जो स्किल्स है इसको हम कह सकते हैं प्लानिंग। दिस इज द पार्ट ऑफ प्लानिंग, कि आप कैसे सोचते हैं, आपके अंदर थिंकिंग लेवल क्या है, आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका फ्रेमवर्क क्या है, आपका माइंड मैप क्या है,
ये तमाम चीजें कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। ठीक है, जैसे मेरी इस डिपार्टमेंट में आने से पहले जब मैंने FPSC में एग्जाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे पंजाब को टॉप किया, तो उस वक्त फिर मेरा इंटरव्यू जब था, तो मैं इंटरव्यू के बाद जब मेरी सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया, आने से पहले मैंने अपना माइंड मैप बनाया, मैंने अपना कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं किस तरीके से उस डिपार्टमेंट में जाके काम करूंगा, मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे और मैंने उनको किस तरीके से जाके अपनी एक प्रेजेंस वहाँ पे श्योर करनी है, फिर किस तरीके से मैंने लोगों से काम लेना है और फ्यूचर की मेरी क्या प्लानिंग होगी। जैसे मैंने अपने इंट्रो में भी जिक्र किया कि मेरे जहन में था कि मोबाइल लाइब्रेरी जाके बनानी है और कम्युनिटी लाइब्रेरीज को डेवलप करना है, स्ट्रीट लाइब्रेरीज बनानी है, इसी तरह पार्क लाइब्रेरीज है, इसके अलावा स्मॉल लाइब्रेरीज का एक मेरा कॉन्सेप्ट है। स्मॉल लाइब्रेरी से मुराद ये है कि हर स्ट्रीट के साथ एक जो है हम छोटा सा कॉर्नर जहाँ भी पब्लिक प्लेस है वहाँ पे रखें, इसको हम स्मॉल लाइब्रेरी का भी ये कॉन्सेप्ट दे सकते हैं। इसी की तरह हम जो मैंने मेट्रो का बुक किया वो भी एक ट्रैवल लाइब्रेरी, यूरोप से मेरे जहन में एक आइडिया आया कि वहाँ के लोग जो है ना ट्रैवलिंग के दौरान किताबें पढ़ते हैं। हमारे यहाँ तो कल्चर है ना कि हम ट्रैवल के दौरान या तो स्क्रीन लगा के उसके ऊपर मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं या कोई और काम करते हैं। यूरोप के अंदर मैंने ये देखा है जो एडवांस कंट्रीज हैं उनके यहाँ कल्चर ये है कि वहाँ रैक लगे हुए हैं, जब भी कोई बैठता है ट्रेन में या मेट्रो में या किसी और सर्विस में, तो वो ट्रैवल के दौरान बजाय अपना वक्त ज़ाया करने के गाने बेहूदा किस्म के सुनने से या मूवी देखने से, वो किसी अच्छी बुक को उठा के अपने सामने रख लेते हैं और फिर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो उनको एक तो ट्रैवल का पता नहीं चलता और वो इस तरीके से अपने ट्रैवल को बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी बना लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट है ना आपका, एक अच्छा एक आइडिया है जो लोगों को आप इंप्लीमेंट करते हैं। इसी तरह हमारी बसों में देखें, बस स्टैंडों के ऊपर देखें, वो खवातीन को देखने में और एक दूसरे को ताका झांकी एक दूसरे की टो में लगे रहते हैं, तो ये एक मुझे तो ये चीज़ बड़ी नेगेटिव लगती है। आपका क्या ख्याल है कि ये एक आइडिया बेहतर है ना? हाँ, जरा अपनी फीडबैक दें मुझे कि जो हम ये मैं करने जा रहा हूँ तो ये कैसा आइडिया है कि हम लोग बसों में और ये मेट्रो में, ट्रेनों में, इवन एरोप्लेन में, तमाम जगहों के ऊपर ना एयरपोर्ट पे हम ऐसी फैसिलिटीज लॉन्च करें कि लोगों के अंदर रीडिंग हैबिट्स हों। हाँ, ये बिल्कुल जरूरी है, बहुत कम लोगों की हैबिट है और इसको अच्छा ये हैबिट जो है ना मैंने खुद देखा है कि ये पेरेंट्स बच्चों के अंदर इंडल्ज कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं बच्चों के अंदर। तो देखिए इस किस्म के आइडियाज जब अगर हम लॉन्च करें तो ये किस में आती है, कंसेप्शनल जो हमारी स्किल्स हैं। जी बिल्कुल, देखिए अब हमने कहीं कभी ट्रेवल करना है 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे हम लोग फारिग होते हैं, उस वक्त हम बजाय व्हाट्सएप पे या उसके ऊपर फजूल अपना टाइम जाया करें, उससे बेहतर है कि देखिए मोबाइल का बुनियादी काम क्या है, कनेक्शन। आप अपने पेरेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ इंटरकनेक्टेड हों, खुदा ना खास्ता जब भी उनको आपकी ज़रूरत पड़े या आपको कोई काम पड़े तो आप उनसे फौरी तौर पे जो है रब्ता कर सकें। लेकिन हमने मोबाइल को एक ऐसी जरूरत बना ली है कि किचन के अंदर जाते हैं खाना बनाते हुए मोबाइल हाथ में, इवन कपड़े धोते हुए या और कोई घर के काम करते हुए, या इवन हमने देखा है ऑफिस में कि मीटिंग अटेंड करते हुए भी लोग मोबाइल के ऊपर लगे होते हैं। देखो हर चीज का जो एक्सेस है ना, एक्सेसिव यूज, वो हमेशा आपको गलत उस पर लेगी। अब देखिए मोबाइल की कितनी बड़ी सहूलत है कि आप घर बैठ के ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। देखिए पॉजिटिव यूज है ना, इट्स अ ग्रेट यूज कि जब आपको यहाँ इस्लामाबाद में आना पड़ता है, यहाँ आके आपको क्लासेस लेनी पड़ती, आपको छुट्टी लेनी पड़ती, आपको एक ट्रेवल करना पड़ता और फिर यहाँ आके आपको एक अकोमोडेशन लेनी पड़ती, तो बहुत यूनिवर्सिटी का बहुत ज़बरदस्त स्टेप है कि आपको उन्होंने इस के अंदर इतनी ज़बरदस्त फैसिलिटी दी कि आप, मैं अपने ऑफिस में बैठ के लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर मैं शायद ऐसा होता तो मुझे ऑफिस से छुट्टी करके जाना, क्योंकि 106 का स्टाफ है, इतने ज्यादा लोगों को छोड़कर जाना और वहां जाके फिर लेक्चर, तो बहुत मुश्किल होता है, बंदा मैनेज नहीं कर सकता इन चीजों को। तो ये आसानी दी है और ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। देखिए कोई चीज अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका जो यूज है ना उसको अच्छा या बुरा बनाता है।
एंड दिस इज कम इन द कंसेप्चुअल स्किल्स। एक मैनेजर का काम ये है, एक डायरेक्टर का काम ही ये है कि उसके अंदर अच्छे अच्छे आइडियाज हों और वो उन आइडियाज के तहत अपने डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करें, ठीक है। दूसरी इसके अंदर है टेक्निकल स्किल्स। देखिए टेक्निकल स्किल्स का मतलब क्या है कि जब एक शख्स को खुद काम आता होगा ना तो वो दूसरे को गाइड कर सकता है। जब एक आदमी को खुद ही काम नहीं आता तो वो क्या किसी को सिखाएगा? उसके सामने अगर कोई काम गलत करके भी रख देंगे तो उसको आइडिया ही नहीं होगा कि ये ठीक है या गलत है। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिसके मुताबिक हमें देखना होता है कि टेक्निकली जिस पोस्ट के अगेंस्ट आपकी सिलेक्शन हुई है या आपकी अपॉइंटमेंट हुई है, आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा करें। अब देखिए एक शख्स कैटलॉगर आता है तो कम अज कम उसको कैटलॉगिंग तो आती हो, एक क्लासीफायर आता है उसे क्लासिफिकेशन आती हो, एक बिब्लियोग्राफर आता है उसको बिब्लियोग्राफी आती हो, एक इंडेक्सर की पोस्ट पे आता है उसको इंडेक्सिंग आती हो, एक एब्स्ट्रैक्टर की पोस्ट पे आता है उसको एब्स्ट्रैक्टिंग आती हो, एक बुक सॉर्टर आता है उसको किताबों की तलाश करना आती हो, एक शेल्वर आता है उसको किताबें अरेंज करना आती हो, एक फोटोकॉपियर आता है तो उसको फोटोकॉपी करना आती हो। यानी जो आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपको काम भी आता हो। जब आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स होंगी तो फिर आप अपना काम बेहतर तौर पे कर सकेंगे। लेकिन बाज लोग सिफारिश से ऐसे लोग आ जाते हैं कि जिनको कोई काम ही नहीं आता, उनसे जो भी कहें नहीं जी ये नहीं आता। तो ये सिफारिशी कल्चर भी जो है ना हमारे प्रोफेशन को और हमारी मैनेजमेंट को वीक करता है। आप देखिए पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर के अंदर कोई भी सिफारिशी लोग बहुत कम रखे जाते हैं और कुछ अरसे के बाद उनसे कहते हैं कि जी लोगों आप जाएं, आपकी हमें जरूरत नहीं है, आप इस इदारे के ऊपर बर्डन है। लेकिन गवर्नमेंट इदारों में ऐसा है कि एक मरतबा कोई बंदा एंटर हो गया तो जब तक वो 60 साल का नहीं होता तो उसको कोई मसला नहीं है, कोई निकाल ही नहीं सकता चाहे वो काम करे या ना करे। और यही वजह है कि हमारे गवर्नमेंट इदारों के अंदर अक्सर लोग आके स्टेगनेंट हो जाते हैं, लिथार्जिक हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं और काम चोर हो जाते हैं, कम जर्फ हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो ये सोच लेते हैं कि यार निकालना किसने। देखिए मैं तो हकीकत अपने स्टाफ से यही बात करता हूँ कि ईमानदारी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। कोई देखे ना देखे अल्लाह तो देखता है ना, आप अपने अंदर ईमानदारी करें और सुबह सोच के आए कि हमने अपना रिस्क हलाल करना है, अपने काम से जस्टिफाई करना है, अपनी पूरी एफर्ट करनी है ईमानदारी के साथ अपना काम करने की। जब इंसान के अंदर ये जज्बा पैदा होता है ना तो वो फिर पॉजिटिव से उसके अंदर वेव्स आने लगती है, फिर पॉजिटिव सेंस के अंदर बंदा काम करना शुरू करता है, ठीक है। जो नेगेटिव है वो नेगेटिवली सोच ही आते होंगे, लेकिन ये बंदे के अपने ऊपर है कि इंसान जो काम करता है। देखिए हम भी ये करते हैं कि अगर हमने बाजार में किसी से कोई इवन के मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, टेलर के पास जाना है उसे कपड़े स्टिच कराने हैं, पहली मरतबा हमें उसको नहीं पता होता कि इसको कितना काम आता है या नहीं आता, हम किसी के रेफरेंस से जाएं या खुद से उसको एक्सप्लोर करें, एक मरतबा तो जाके हम उसको दे देते हैं चीज, जब हम उसको यूज करते हैं हमें अंदाजा होता है कि इसने स्टिचिंग की है तो कितनी अच्छी की या कितनी बुरी की। तो वो डिपेंड करता है कि सेकेंड टाइम पर आप उसके पास जाएंगे या नहीं। अगर उसने अच्छा काम किया तो अपने दोस्तों को भी बताएंगे, बाकी लोगों को भी बताएंगे कि आप जनाब जाके उस शख्स के पास जाएं, वो बहुत अच्छा काम करता है, सेटिस्फैक्ट्री उसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो आप अपने लोगों को भी मना करेंगे कि जी नहीं उससे बचें, वो थक गया, पैसे भी ज्यादा लेता है, काम भी ठीक नहीं करता। सेम थिंग इज इन ऑल प्रोफेशन कि जो टेक्निकली साउंड है ना उसकी रिस्पेक्ट है, उसको लोगों से रिस्पेक्ट करवाने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली लोग उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन जिस शख्स को टेक्निकल स्किल्स नहीं है तो वो बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाता है और लोग उससे मुतनफिर हो जाते हैं और उसको छोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें दूसरा है ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, ये बहुत जबरदस्त है, इसको PR भी कहते हैं, ठीक है। किसी भी इंसान के अच्छे या बुरे होने की सबसे बड़ी निशानी ये है कि उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है। यानी बंदा टेक्निकली भी परफेक्ट हो, काम भी आता हो, कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं और उसका अपने स्टाफ के साथ, अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना मैनेजेरियल कॉन्टेस्ट में, क्योंकि ये चीज़ें ना मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ साथ है, क्योंकि पोस्ट ऑफ डायरेक्टर है ना उसका काम ही ये है कि उसने मैनेज करना है, मैनेजेरियल स्किल्स होती है, तो इसलिए ये टॉपिक मुझे ज़्यादा पसंद है कि ये मेरे काम के साथ रेलिवेंट है।
ह्यूमन रिलेशन स्किल्स ये है कि उसकी लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन हो, उसको लोगों की मजबूरियों का और लोगों की परेशानियों का इतराक हो। उसके बाद ये है कि वो ह्यूमन बिहेवियर जाहिर है कि इंसानों के रवैयों को जानता हो। बंदे का रवैया ना विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता है। किसी वक्त उसका बड़ा अच्छा मूड होता है और बड़े अच्छे जेस्चर के साथ वो काम कर रहा होता है, लेकिन कई दफा ऐसा होता है कि उसका मूड अच्छा नहीं होता है। जाहिर है वो भी एक सोशल आदमी है ना, तो सोसाइटी के अंदर तो बहुत सारे मसाइल बंदे के साथ हो जाते हैं। ये मोहम्मद नदीम ने भी हैंड रेज किया है, सैयदा नौशीन गिलानी ने भी। तो आपका कोई क्वेश्चन है तो मैसेज बॉक्स में मुझे करें ताकि मैं उसको रिप्लाई करूँ। हैंड रेज का मतलब तो ये है ना कि आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, यही होता है ना, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी कोई भी आपका जो इसमें क्वेश्चन है तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको रिप्लाई करने की। जी समझ में आ रही है मेरी बात? आर यू गेटिंग मी? वेरी गुड। ठीक है, मैं आपको बता रहा था ह्यूमन रिलेशन कि आपके आपके स्टाफ के साथ और बाकी लोगों के साथ, तो उनके साथ आपका रिलेशन जो है वो काफी बेहतर होना चाहिए ताकि वो आपके साथ कॉन्फिडेंटली काम कर सकें और उनको आसानी हो आपसे बात करने में, आपसे अपनी डिस्कशन करने में। अब ये देखिए मैनेजेरियल जो डिफरेंट मैनेजेरियल जो इसके अंदर लेवल्स होते हैं ना वो ये हैं। एक होता है टॉप लेवल जिसपे आप कहने के डायरेक्टर है और डीजी है या सेक्रेटरी है, उसका एक लेवल है। और एकेडमिक लाइब्रेरीज में देखें वाइस चांसलर है, डीन है या जो है चेयरमैन है, तो उसका ये टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। इस टॉप लेवल मैनेजमेंट की में क्या चीज़ें होनी चाहिए? कंसेप्चुअल स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा इसका है मिडल मैनेजमेंट, इसके अंदर होनी चाहिए ह्यूमन रिलेशन स्किल्स, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने लोगों से काम लेना होता है, ठीक है। तो इन लोगों का ये है कि इन्होंने प्लान बना के उसको देना होता है कि आपने ये प्लान है हमारे इदारे के बारे में, इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। और दूसरा जो ये दरमियान मिडल मैनेजमेंट होती है जिसके अंदर डिप्टी डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है और लाइब्रेरियन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन है, उन लोगों का काम होता है कि वो अच्छा स्लाइड्स में आपको जब डाउनलोड करेंगे तो पूरी नजर आ जाएंगी। ये असल में स्लाइड का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया जिसकी वजह से शायद आपको कम नजर आ रही है स्लाइड, तो ये डाउनलोड में और इसके ऊपर पोर्टल के ऊपर जब अपलोड हुई है तो ये पूरी आनी नहीं, ठीक है। तो स्लाइड का साइज बड़ा होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो लेकिन जब आपके पास ये आएगी तो आप उसके अंदर से जब इसको डाउनलोड करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। ये मैं अपना नंबर भी वैसे शेयर कर रहा हूँ कि कुछ लोग ग्रुप में शामिल नहीं होते, अगर वो इंडिविजुअल भी मुझे मैसेज करेंगे तो मैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और इसके ऊपर आप मुझसे डायरेक्ट भी जो है कोई भी पीपीटी मंगवा सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप बेशक नोट कर लें, तो इंशाल्लाह मैं आपको इस पे भी ये सेंड कर दूंगा। सबसे ऊपर होती है टॉप मैनेजमेंट, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर फर्स्ट लाइन और फिर जो है उसकी ऑपरेशंस। कि इसने देखे इस पैराडिग्म्स के अंदर देखें, इस पैराडिग्म में क्या है कि सबसे ऊपर टॉप मैनेजमेंट होती है, ठीक है। वो मैंने आपको बताया कि टॉप मैनेजमेंट की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि उसने डिसीजन लेना। अच्छा, इसमें टॉप मैनेजमेंट का काम जो मैंने आपको बताया, फिर ये मिडिल मैनेजमेंट है और फिर ये फर्स्ट लाइन मैनेजर्स हैं, यानी इसमें होते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर्स या जिसको हम कह लें इंचार्जेस ऑफ द सेक्शन, सेक्शन इंचार्जेस कह लें। तो ये लोग थर्ड लेयर पे आते हैं और फोर्थ लेयर के अंदर वो लोग आते हैं कि जिन्होंने एग्जीक्यूट करना होता है काम, जिन्होंने उसको कैरी आउट करना होता है। तो इस पैराडिम की बॉटम में वो लोग होते हैं, ठीक है। तो ये पैराडिम से आपको ऑपरेशन ऑफ द मैनेजमेंट करने में आसानी होगी। इसको जरा समझ लें। देखिए बेटा, मैंने आपको ये बताया कि टॉप मैनेजमेंट जो होती है ना वो देखिए टॉप पे है, मिडिल मैनेजमेंट वो है जो कि दरमियान में टॉप के ऑर्डर्स को कन्वे करती है। अब इसमें देख लें, एक डायरेक्टर है तो ये डिप्टी डायरेक्टर होगा और ये फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट में कौन होते हैं? असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं। और एग्जीक्यूट किसने करना होता है? जो सेक्शंस के अंदर काम करते हैं, जिसमें आप कहते हैं कि
उसमें असिस्टेंट्स हैं और उसके अंदर लाइब्रेरी जो है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियंस हैं, या उसके अंदर आप देख लें कि जो कैटलॉगर हैं, क्लासीफायर हैं, ये लोग जो हैं उनको हम कहते हैं कि ये ऑपरेटिव उसमें आते हैं, इन्होंने ये काम को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, आई थिंक यू विल गेट इट। देखिए इसमें आप एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, ये मैनेजेरियल स्किल्स का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफेक्टिवनेस ये है कि एडिक्वेट अकॉम्प्लिश अ पर्पस प्रोडक्टिंग द इंटेंट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस ये है कि आपको ये पता चले कि कोई चीज का कितना फायदा है। ठीक है, मैनेजर को ये चीज इंश्योर करानी चाहिए कि उसको पता चल जाए कि कोई चीज किसी काम का या किसी इदारे का कितनी इफेक्टिवनेस है, लोग कितना इफेक्टिवली इसको जो है वो इससे सेटिस्फाइड है। दूसरी है एफिशिएंसी, इसका ताल्लुक है परफॉर्मेंस से, परफॉर्मेंस एंड फंक्शनिंग इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। एफिशिएंट हम कहते हैं यार ये बहुत एफिशिएंट आदमी है, इसका मतलब क्या है कि उसको काम करने का तरीका आता है और वो बहुत अच्छे अंदाज में अपना काम बढ़ाता है, काम करता है। जैसे मुझे ये जैसे काम मिला है कि मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, अगर मैं अच्छे तरीके से आपको पढ़ा पाऊं तो ये है कि आप कह सकते हैं कि ही इज एन एफिशिएंट टीचर। ठीक है यार, उसका जो प्रोफेशन है उसके अंदर एफिशिएंसी है, यानी प्रोफेशनलिज्म के अंदर किसी काम को मुकम्मल करना क्या होती है, एफिशिएंसी। और इफेक्टिवनेस क्या होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ जाए, आप टॉपिक को पढ़ लें और कहें कि यार वाकई उनकी जो बात थी ना, उनकी एग्जाम्पल थी, उनका समझाने का अंदाज था वो अच्छा है। तो ये क्या है इफेक्टिवनेस, यानी मेरे लेक्चर ने आपके ऊपर इफेक्ट किया और उससे आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है और मैनेजेरियल स्किल्स क्या होती है। तो ये एक मकसद देखिए पूरा हो जाता है और ये दोनों चीजें जो है मैनेजमेंट की उसमें आती हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें कि जो प्रिंसिपल्स हैं, अब हम अपने असल टॉपिक की तरफ आते हैं। तो मैं चूंकि पहले ये स्लाइड ऐसी थी जिसके अंदर आपको मैनेजमेंट का, मैनेजर फंक्शंस का, मैनेजर स्किल्स का पता होना चाहिए था, ताकि आपको पहले उसका पता होता तो अब आपको ये प्रिंसिपल समझने में आसानी होगी। ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने देखा है कि अक्सर मैनेजमेंट के अंदर ना ये क्वेश्चन भी आता है और उसको समझना बहुत जरूरी है। हेनरी फ्योल, ये एक एक्सपर्ट है, बेसिकली ही इज एन इंडस्ट्रियलिस्ट और उसने अपने एक्सपीरियंस की रोशनी में 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जिनको कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। और ये फर्स्ट ऐसा था कि इसने इसको एज ए सब्जेक्ट लिया और सब्जेक्ट के तौर पे उसने लेकर अपने एक्सपीरियंस, और खास तौर पे इसका ताल्लुक जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन से है। मैंने कहा कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, उन तमाम का जो है ना एक इफेक्ट इसके ऊपर इस तरह होता है कि इसका ये है कि इन प्रिंसिपल्स को हम उसके ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, इन 16 प्रिंसिपल को। और ये बहुत अच्छे प्रिंसिपल्स हैं और इनकी मदद से जो है ना आपको अंदाजा होगा कि एक मैनेजर की कौन कौन सी क्वालिटीज होती हैं और कौन किस चीजों से वो अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर सकता है। ये उसने 1970 में पेरिस में एक जो है वो सेंटर फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टडीज CAS के अंदर प्रेजेंट किए थे, और इसके बाद उसने अपनी किताब के अंदर भी इन प्रिंसिपल्स को, 14 प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है और इनको हम जो है मैनेजमेंट में जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बाई हेनरी फ्योल्स, हेनरी फ्योल्स के नाम से याद रखते हैं। इसका पहला प्रिंसिपल कौन है कि डिवीजन ऑफ वर्क। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। देखिए किसी भी मैनेजमेंट के लिए जरूरी है कि वक्त की अपना काम की तकसीम करे वो, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, ये सबसे पहली चीज है। और इसका देखिए हम आम जिंदगी के अंदर भी ना सबरा कौन सी चीज रिपीट कर रही है, डिवीजन ऑफ वर्क की बात कर रही है।
डिवीजन ऑफ वर्क का जो है ना कि काम को आप एक बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब ये देखिए, मैं एक छोटी सी मिसाल एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगी। अब एक घर है, उसके अंदर दो अफराद या तीन अफराद रहते हैं, ठीक है, तो वो आपस में काम को डिवाइड कर लें। अब जैसे एक फादर है, एक बेटा है, एक मदर है, एक बेटी है, ठीक है, दो बच्चे और दो पेरेंट्स, ये यानी एक फैमिली है। अब उसके अंदर वो काम, जाहिर है फैमिली के पूरे काम होते हैं ना, मार्केट से ग्रोसरी लेकर आनी है और कमाने के लिए जाना है, उसकी जॉब करनी है, इसके अलावा फिर सोशल जो आपकी लाइफ है उसको भी गुजारना है, और घर के जो काम है वो भी करना है। अब वो मेल की जिम्मे या जो उनके फादर हैं उसकी जिम्मे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी आप ऑफिस जाएंगे और ऑफिस जाके उनकी अपनी मसरूफियात है, ऑफिस का काम करना और घर के अखराजात के लिए अपने इनकम जनरेट करना। बेटे का क्या काम है कि अब अपने वालिद की, एक तो उसने अपनी स्टडीज की तरफ तवज्जो देनी है, और फिर यह है कि वालिद की मौजूद उसके ग्रॉसरी ला देगा या अखबार के कोई काम है तो वो कर सकता है। मदर के क्या काम है कि उन्होंने खाने का, किचन का और बाकी घर की जो अरेंजमेंट है वो काम कर, और उसके साथ वो बेटी की जिम्मेदारी ये लगा देते हैं कि अगर बड़ी है तो कि जी आपने मेरी हेल्प करनी है हाउस होल्ड एक्टिविटीज में, ठीक है। जब ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर उसको हम कहते हैं कि जी एक सुबह का नाश्ता या रात का खाना आपने बनाना है, ठीक है। अब देखिए, काम एक ही है, लेकिन उस काम को अगर हम, अब एक ही शख्स को ये सारे काम करने पड़े, जैसे बाजू का बीवी बच्चे चले जाते हैं, बच्चे को उठ के प्रेस भी खुद करना है, खाना भी खुद बनाना है, चाय भी खुद बनानी है, और बाहर गाड़ी पे भी खुद जाना है, और बाहर के काम भी खुद करने हैं, तो उसके लिए ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह एक आपका डिपार्टमेंट है, एक आपका ऑफिस है, उसके अंदर देखिए मुख्तलिफ किस्म के काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो उस काम को आप, अब जैसे मैं लाइब्रेरी की मिसाल दूं, लाइब्रेरी के अंदर सबसे पहला काम क्या है, हाउस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। पता है आपको क्या होते हैं हाउस कीपिंग ऑपरेशन? हाउस कीपिंग ऑपरेशन जो है लाइब्रेरी के अंदर वो होते हैं फाइव। फाइव जो है ना फंक्शंस को हम कहते हैं, दीज आर दी हाउस कीपिंग ऑपरेशन ऑफ अ लाइब्रेरी। नंबर वन, एक्विजिशन। नंबर टू, टेक्निकल प्रोसेसिंग। नंबर थ्री, सर्कुलेशन। नंबर फोर, रेफरेंस सर्विस। और नंबर फाइव, सीरियल मैनेजमेंट। पहला मैंने बताया कि डिवीजन ऑफ वर्क, एक बड़े काम को आप छोटे छोटे कामों के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ये हाउसकीपिंग ऑपरेशंस लाइब्रेरी के कौन से पांच होते हैं इसके अंदर। अब एक शख्स ये तमाम फंक्शंस एक वक्त में बैठ के परफॉर्म नहीं कर सकता, तो इसलिए बेहतर ये है कि वो एक्विजिशन पे एक लाइब्रेरियन की ड्यूटी लगा दें, एक शख्स की लगा दें, इसी तरह टेक्निकल प्रोसेसिंग पे दूसरे की लगा दें, और रेफरेंस पे तीसरे की लगा दें, और इसके अलावा सीरियल मैनेजमेंट पे चौथे की लगा दें, और सर्कुलेशन पे जिसमें किताबें इशू रिटर्न की जाती है वह किसी शख्स की ड्यूटी लगा दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना आप लोग कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है, तो काम आपका आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्योल ये कहते हैं कि जब आप किसी को काम दें तो उसको इख्तियार भी दें, ठीक है। काम के साथ साथ इख्तियारात होते हैं। आप देखिए, गवर्नमेंट ने मुझे, अगर यहाँ डायरेक्टर की सीट पे हूँ तो मेरे इख्तियारात भी हैं कि मैं लोगों को छुट्टियाँ दे सकता हूँ, लोगों की जो है अपॉइंटमेंट कर सकता हूँ, लोगों को जो है वो मैं एक्सप्लेनेशन कर सकता हूँ, उनको मैं इंक्रीमेंट दे सकता हूँ, उनकी इंक्रीमेंट रोक सकता हूँ। ये तमाम चीज़ें क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, सॉरी अथॉरिटी। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि 9 लाइब्रेरीज की जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की, मैनेजमेंट की, और उसकी तमाम जो फंक्शंस है उसकी जिम्मेदारी किस पे आई होती है, जिसको अथॉरिटी दी है। अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे के साथ साथ लाजिम और मलजूम है। आपके जिम्मे अगर 10 लोगों को लगाया जाता है, ये आपकी क्या है, अथॉरिटी, उन 10 लोगों को लुक आफ्टर करना, उनके मसाइल को देखना, उनसे काम लेना, उनके ग्रीवेंसेस को दूर करना, ये तमाम चीजें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। तो जहां अथॉरिटी आपको मिलती है, वहां साथ साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है।
घर का सरबरा एक फादर होता है, उसके इख्तियारात क्या है कि वो किसी भी चीज़ को वीटो कर सकता है, कोई काम चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो वो उसको ना करे। तो अथॉरिटी जहाँ आप उसको देते हैं, साथ ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देते हैं। उसके बाद क्या है, डिसिप्लिन। देखिए किसी भी इदारे का सबसे अहम काम उसके अंदर डिसिप्लिन होता है। अगर किसी इदारे के अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो वो इदारा किसी काम का नहीं है। डिसिप्लिन क्या है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस इन द राइट वे, 4 R को कहते हैं डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या होते हैं, दीज आर कॉल्ड 4 R's। डिसिप्लिन क्या है, 4 R's। तो लिखिए, लिख लेंगे, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस एट द राइट वे। हाँ जी, कौन जल्दी से लिखे, स्क्रीन पे से शेयर भी करते हैं। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट वे एट द राइट टाइम। राइट पर्सन, राइट जॉब, राइट प्लेस, राइट वे। गुड, वेरी गुड। राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब इन द राइट वे एट द राइट टाइम। बिल्कुल सायरा, ठीक हो गया। तो ये चीज क्या है, दिस इज कॉल्ड डिसिप्लिन। जब आपके अंदर डिसिप्लिन होगा तो हर बंदे को पता होगा कि जी मैंने क्या काम करना है, किससे छुट्टी लेनी है, किसकी जगह पे मेरी क्या ड्यूटी और है, मैंने कितना काम करना है, मेरे जिंदगी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो उसको खुद बहुत पता चल जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ प्रिंसिपल है, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड इज डील विद कि एक शख्स को एक वक्त में एक ही शख्स ऑर्डर दे। वो कहते हैं ना, किसी के ज्यादा अफसर हो जाए तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं किसकी बात मानूं किसकी ना मानूं। तो इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ कमांड कि जो शख्स ऑर्डर दे रहा हो ना वो एक हो, ठीक है, एक शख्स के पास इख्तियारात हो कि वो। अब देखिए ना, अगर हम दो को दे देते हैं, एक शख्स छुट्टी करता है, दूसरा उसकी छुट्टी अलाउ नहीं करता, आपस में लड़ेंगे। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है ना, अल्लाह ताला की वहदानियत है। इस कायनात का खालिक, मालिक, राजिक, परवरदिगार एक शख्स है, जो इस सूरह जो है ना, अल्लाह ताला ने सूरह इखलास में कह दिया कि कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का वालिद है, ना किसी की औलाद है, और पूरी दुनिया कायनात के अंदर उसका कोई सानी नहीं, उस जैसा कोई भी नहीं है। अब देखें उसकी मिसालें कि यूनिटी ऑफ कमांड क्या है, कि अल्लाह चाहता है एक तरफ से सूरज को निकालता है, मशरिक से मगरिब में ग़ुरूब करता है, ठीक है। अगर जो है ना, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिरौन को ये कहा था, नमरूद को, कि उन्होंने कहा कि देखो अल्लाह क्या करता है, उसने कहा जी वो ज़िंदगी देता है, मौत देता है। उसने एक शख्स को बुला के उसका सर कलम कर दिया, कहता देखो ये तो मैंने इसको मौत दे दी, और एक कत्ल का कैदी था उसको कहता कि छोड़ दे, उसको रिहा कर दिया, कहता देखो ये तो दोनों चीज़ें मैं भी देता हूँ, नाउज़ बिल्ला। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि यार ये बंदा तो इस तरह नहीं मानेगा, ये तो देखो एक बेगुनाह को इसने कत्ल कर दिया और दूसरे गुनाहगार को छोड़ दिया। तो फिर उन्होंने ये मिसाल दी, और कुरान पाक में इसका जिक्र भी है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अल्लाह जो है सूरज को मशरिक से निकालता है और मगरिब में ग़ुरूब करता है, अगर तू अल्लाह होने का दावा करता है तो मशरिक से सूरज निकाल के मगरिब के अंदर ग़ुरूब कर। वो कहते हैं जब अल्लाह हजरत इब्राहिम ने ये बात की ना, तो वो हैरत ज़दा हो गया, एकदम से दंग रह गया कि यार ये क्या बात कर रही। तो ये है, ये मिसाल है यूनिटी ऑफ कमांड की। कायनात की हर चीज़ के अंदर आपको यूनिटी ऑफ कमांड मिलेगी। जो मैनेजमेंट के रूल्स यूनिवर्स के हैं, वही जो है वो इस हमारे इदारों के अंदर भी इम्प्लीमेंट होते हैं कि मैनेजमेंट तब अच्छी होगी जब सरबरा एक होगा। जब ज्यादा लोग सरबरा बन जाएंगे, ज्यादा लोग इंचार्ज बन जाएंगे, ज्यादा लोग हेड बन जाएंगे, तो फिर क्वालिटी ऑफ वर्क डिस्टर्ब होगा और स्टाफ कंफ्यूज होगा, और वो किसका ऑर्डर माने किसका ना माने तो उनको प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रिंसिपल, सबऑर्डिनेट
ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। कि एक अच्छा अफसर वो होता है कि जो खुद अपने फायदे को अपने मतहत के फायदे के ऊपर कुर्बान करते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे एक काम का फायदा है, मिसाल देता हूँ कि मुझे किसी जगह पे ऑफर होती है कि जी आप आके लेक्चर दें, हम आपको 5,000 रुपये करेंगे। अब मैं यहाँ से जाता हूँ तो देखिए मेरा पूरा डिपार्टमेंट सफर होता है। मैं कहता हूँ यार मुझे 5,000 नहीं चाहिए, बल्कि मैं अपने डिपार्टमेंट के अंदर रह के काम करूंगा, तो वो ज्यादा लोगों का फायदा होगा। तो एक अफसर को ऐसा होना चाहिए कि अपने जाती फायदे के लिए को कुर्बान कर दे मजबूरी फायदे के लिए। इसको कहते हैं सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल टू जनरल इंटरेस्ट, कि लोगों के फायदे के लिए अपने जाती फायदे को कुर्बान करना। फिर उसके बाद क्या है, रिम्यूनरेशन एंड मेथड्स। रिम्यूनरेशन कहते हैं मुआवजे को, तनख्वाह को, कि आप जब स्टाफ के साथ जो भी मुहर्दा करें तो इतना कॉम्प्रिहेंसिव करें कि लोग आपको छोड़कर ना जाएं, और उनकी तनख्वाहें ऐसी हैं कि वो एक अच्छे तरीके से फेयर पेमेंट होनी चाहिए और उनको टाइम के ऊपर फेयर पेमेंट होनी चाहिए। अब कई लोग मुलाजिम रख लेते हैं, उनको कई दिन तक तनख्वाह नहीं देते, उनको तनख्वाह देने में तंग करते हैं। तो ये एक इस्लामी नुक्ता निगाह से भी गलत है और मैनेजमेंट के नुक्ता निगाह से तो उससे भी गलत है। ये सेंट्रलाइजेशन, उसका मकसद ये है कि इख्तियारात जो है ना वो एक जगह पे मरकूज हो। मैंने जैसे बताया ना कि जब आपकी मैनेजमेंट मुख्तलिफ जगहों पर होगी तो इसमें यही कन्फ्यूजन होगी कि इंसान किसके पास जाए, किससे पूछे, किसको बताए, क्या करे। और बाज़ औक़ात ये है कि सेंट्रलाइजेशन का नुकसान भी होता है कि उसके अंदर एक शख्स जो है हर्फे आखिर हो जाता है, जो चाहता है वो करता है, डिक्टेटरशिप आ जाती है। लेकिन इसका जो फायदा है वो इसके नुकसान से ज्यादा है, क्योंकि आपके काम एक जगह से हल होने लगते हैं, आपको मुख्तलिफ फोरम्स पे जाना नहीं पड़ता, मुख्तलिफ लोगों के साथ जाके आपको डिस्कशन नहीं करनी पड़ती, और अपना जो है वक्त आपका सेफ होता है, आपकी एनर्जी सेफ होती है। इसको कहते हैं सेंट्रलाइजेशन, यानी लफ्जी मतलब ये है कि आपके काम का मरकज जो है वो एक जगह पे हो, यानी एक शख्स को मैक्सिमम अथॉरिटीज हो जो कि आपके फैसले करें। अब देखिए ना, पूरे डिपार्टमेंट का हेड हमारे डीजी होता है। अब हमारी जो यानी काम है वो सब कुछ डीजी के पास जाते हैं और वहां से डायरेक्शन होकर वापस आ जाते हैं। फिर ये होता है कि अब जैसे डायरेक्टर का लेवल है कि एक इदारे के अंदर वो बिल्कुल हेड होता है, तो जो काम है वो सब उसके पास आते हैं, उसने डिसीजन करना होता है। तो ये चीज़ बेहतर है। अगर कई अफसर हो जाएंगे तो उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर हर किसी के पास जाके हर किसी को समझाना, उनकी मिन्नत करना, काम निकलवाना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद है स्केलर चेंज। देखिए ये वाजे तौर पे तय होना चाहिए कि किस शख्स के पास क्या इख्तियारात हैं। इसको कहते हैं स्केलर चेन। हर शख्स को क्रिस्टल क्लियर हो कि उसने किसके अंडर काम करना है, उसका सुपरवाइजर कौन होगा, उसको छुट्टी कौन देगा, उसके मामलात को कौन हल करेगा, उसने अपनी कोई परेशानी में किससे रابطہ करना है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट होना चाहिए ताकि लोगों में कंफ्यूजन ना हो। अच्छा, उसके बाद देखिए ऑर्डर। ऑर्डर से मुराद क्या है? ऑर्डर कहते हैं कि हर चीज जो है अपनी जगह पे हो, हर चीज अपनी जगह पे अच्छी लगती है। अब मैं लाइब्रेरी की मिसाल देता हूँ कि जैसे कोई शख्स लाइब्रेरी में एंटर होता है, सबसे पहले क्या है, रिसेप्शन काउंटर होना चाहिए। रिसेप्शन काउंटर के साथ उसका कैटलॉग होना चाहिए, फिर उसके बाद रेफरेंस मटेरियल अलग होना चाहिए, उर्दू मटेरियल अलग रखें, अंग्रेजी मटेरियल अलग रखें, रिसालों को अलग रखें, अखबारात को अलग रखें। इसको क्या कहते हैं, ऑर्डर, यानी एवरीथिंग शुड बी एट इट्स राइट प्लेस। ऑर्डर का मतलब क्या है कि एवरीथिंग शुड बी इट्स राइट प्लेस, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर। ठीक है, अब देखिए किचन के अंदर मुख्तलिफ मसाले होते हैं ना, तो जो किचन में काम करता है उसने अपनी आसानी के लिए हर जगह पे रखे होते हैं वहीं से। और कोई नया बंदा, जैसे मैं कभी कभार संडे के दिन चला जाता हूँ वाइफ की हेल्प करने के लिए, तो मुझे ये नहीं पता होता कि चीनी कहाँ रखी है, पत्ती कहाँ रखी है, नमक कहाँ है, और मसाले कहाँ है, तो पता ही नहीं चलता। फिर मैं उससे पूछता हूँ, वो कहता है कि इससे तो बेहतर है आपको बताने से कि मैं खुद ही कर लूँ ये काम। करती बिल्कुल, ये फजीलन जो नया बिल्कुल सही कहा, ऑर्डर कहते हैं तरतीब, राइट थिंग एट द राइट प्लेस। और लाइब्रेरी में तो इसकी बहुत ज्यादा अहमियत है। आप रिसालों को किताबों के साथ मर्ज कर देंगे, ठीक है,
और अखबारात को रिसालों के अंदर मर्ज कर देंगे, उर्दू को अंग्रेजी किताबों में और अंग्रेजी को उर्दू किताबों में, तो ये तो फिर बात ही बनेगी और उसके अंदर जो है वो बंदा पढ़ ही नहीं सकता, ठीक है, और उसके लिए बहुत परेशानी होगी। तो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है दैट इज यूनिटी, सॉरी इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब ये है कि सबके साथ बराबर का सलूक करें। देखिए एक अफसर है, जैसे मैं, मेरे लिए तमाम स्टाफ के लोग बराबर होते हैं, गो कि ऐसा होता नहीं है, उसमें यह है कि जो अच्छा काम करता है, जो ज्यादा ओबीडियंट होता है वो आपके करीब होता है। आप औलाद में भी देख लेना, आपके अगर दो बच्चे हैं, तीन बच्चे हैं, चार बच्चे हैं, किसी के साथ आपकी अटैचमेंट ज्यादा होती है और कुछ जो है वो उनके साथ अटैचमेंट कम होती है। वो लेवल ऑफ अफेक्शन क्यों बनता है कि वो आपकी ज्यादा केयर करता है, एक ज्यादा इज्जत करता है। जैसे मैं जाके अपने घर जाता हूँ तो मेरा जो बेटा है अच्छा जो वो आके मेरे पांव दबाता है, इट्स वेरी वंडरफुल कि मैंने उसे कहा नहीं, तो मुझे अच्छा लगता है कि वो अटैच होता है। इसी तरह एक बेटा है जो मेरे साथ मेरे काम में, स्टडीज के अंदर मैं कोई काम कर रहा हूँ, रिसर्च लिख रहा हूँ, तो वो मेरी हेल्प करता है उसकी प्रूफ रीडिंग में, उसकी डाटा सर्चिंग में वो मेरी हेल्प करता है। तो ये देखिए ऑटोमेटिकली है कि जो आपके साथ अटैच हो जाता है तो उसके साथ आपकी अफेक्शन एफिलिएशन बढ़ जाती है। इसी तरह स्टाफ का मामला है, स्टाफ के अंदर जो शख्स आपके साथ ज्यादा अटैच होता है ना, आप उसको एक दफा काम कहते हो वो फौरी तौर पे करके आ जाता है, तो ये है कि वो आपके करीब हो जाता है। लेकिन मैनेजमेंट के प्रिंसिपल में क्या है कि आपने किसी को ज्यादा फेवर नहीं देनी, किसी को कम फेवर नहीं देनी। एक शख्स एक महीने की छुट्टी आके मांगता है तो आप उसको दे देते हैं, और एक और शख्स आप आके कहता है जी मुझे 10 दिन की छुट्टी दे दे, आप कहते हैं नहीं जी मैं नहीं दे सकता। इससे ना बाज़ों का फेवरेटिज्म पैदा होता है और फेवरेटिज्म से जो है वो नफरतें पैदा होती हैं स्टाफ के अंदर। उसके बाद इनिशिएटिव, मसावी सलूक, यानी ये उर्दू के अंदर बड़ी अच्छी अच्छे लफ्ज हैं मसावी सलूक, लेकिन एक मैं आपको कहूंगा एग्जाम के अंदर ना जो आप हेडिंग है इसको इंग्लिश में ही दिया करें। बाज़ों का तो हम उर्दू बनाने के चक्कर में ना बड़ी अजीब सी ट्रांसलेशन कर देते हैं, और गूगल ट्रांसलेटर से भी जो है ना आप इतनी हेल्प ना लें। मास्टर्स के लेवल पे ना आपको इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, और इंग्लिश जो है ना वो काफिलों की जबान नहीं है, वो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, इसको काफिलों की जबान ना समझें, इसको समझें। इंग्लिश के अंदर मटेरियल चूंकि बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो लैंग्वेज दुनिया की कोई भी हो सब अच्छी होती है, लैंग्वेज के अंदर कुछ नहीं है, इट इज़ ओनली द वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, लेकिन इसमें अच्छाई बुराई इंसान की अपनी है कि उसको कैसे वो यूज़ करता है। तो मैं आपको बता रहा था इनिशिएटिव, इनिशिएटिव का मतलब ये है कि आप किसी काम को इनिशिएट कर सकें, यानी इब्तिदा कर सकें। अच्छा एक डायरेक्टर या मैनेजर वो होता है जो काम को इनिशिएट कर सके, उसके अंदर ये सलाहियत हो कि नए स्टेप ले, नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस कराए। अब कई लोग होते हैं जो लकीर के फकीर होते हैं, जो उनके जहन में आ गया पुरानी एक रविश है उसके ऊपर चलना है, वो इनिशिएटिव लेते नहीं, और जो इनिशिएटिव नहीं लेते वो कामयाब भी नहीं होते। तो बीइंग मैनेजर आपको ये स्किल होनी चाहिए कि आप न्यू आइडियाज इसके अंदर लॉन्च करें, न्यू डेवलपमेंट्स करें, और नए काम के अंदर हमेशा बरकत भी होती है और उससे इंसानों के अंदर एक तरक्की का जज्बा भी पैदा होता है। तो इसका मतलब है इनिशिएटिव। और आखिरी जो इसका प्रिंसिपल है 14th, वो है एस्पर डी क्रॉप। ये फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है क्योंकि हेनरी फेयर खुद फ्रांस का एक रहने वाला था, और इसका मतलब होता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, इत्तेफाक में बरकत है जिसको कहते हैं ना उर्दू में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो मुझे लिख के बताएं कि एस्पर डी क्रॉप का क्या मतलब है। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक। तो देखें इसका मतलब ये है, और इसके ऊपर आपने बचपन से बड़ी स्टोरीज पढ़ी है कि इत्तेफाक में बरकत है। एक शख्स था, उसके चार बेटे थे, आपस में लड़ते थे, वो बड़ा परेशान था, वो क्या करे, उसके दोस्त से मशवरा दिया, एक दिन उसको ख्याल आया, उसने बुलाया, सबसे कहा कि कैसे हो आप लोग, ऐसा करो एक एक लकड़ी लेकर आओ, सब लकड़ी लेकर आए, उन्होंने कहा इसको बांध दो, बांध दी का तोड़ो, कोई भी तोड़ सका।
फिर उसने कहा जी अलग करो, अलग किया। जब उसने एक एक स्टिक दी कि तोड़ दो, तो सबने तोड़ दी। तो इसका मतलब क्या था? बड़ा खूबसूरत उससे हम मॉरल निकालते हैं, है ना। सैयदा जवेरिया बुखारी को याद है जी, सबको याद है क्योंकि बचपन में हमने सबने ये स्टोरियां पढ़ी हैं। तो इसका मकसद जबरदस्त है। जब उसने इंडिविजुअल स्टिक्स को दिया तो सबने तोड़ दिया। तो उसने कहा कि बेटा इकट्ठे रहोगे कामयाब रहोगे, और अगर अलग अलग होगे तो आपको तबाही होगी, लोग आसानी से बर्बाद कर देंगे। यही मकसद इसमें है कि अगर इदारे का मिलकर काम करेंगे ना सारे, तो इदारा तरक्की करेगा। ठीक है, इदारे के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे तो डिपार्टमेंट आपका फ्लोरिश करेगा, तरक्की करेगा। और अगर हर शख्स अपनी डायरेक्शन एक अलग से बना लेगा, अपनी डेढ़ इंच की मस्जिद बना के चलेगा, तो वो कभी भी कामयाब नहीं होते। इसलिए कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, इत्तेफाक में बरकत है। इदारे के अंदर इत्तेफाक हो, इत्तेहाद हो, यूनिटी हो, डिसिप्लिन हो, तो वो इदारा जो है वो फ्लरिश करता है। आज का सेशन चूंकि था 130 मिनट्स का, यानी 1 घंटा 30 मिनट का, 90 मिनट्स का था, तो ये मैंने कोशिश की कि इसके अंदर ये यूनिट जो है वो कवर कर दूं। तो बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह कल जब हमारी क्लास शुरू होगी तो मैं उसके अंदर भी करूंगा, और इसका कंक्लूजन भी देख लें कि फ्रॉम दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे क्या साबित होता है कि मैनेजमेंट जो है वो किसी भी इदारे की तरक्की में एक अहम किरदार जो है वो अदा करती है। और फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने जो है क्या कहा था, इन द पास्ट द मैन हैज बीन फर्स्ट, इन द फ्यूचर द सिस्टम मस्ट बी फर्स्ट। ठीक है, इंसान शुरू में जो है वो फर्स्ट था, लेकिन फ्यूचर में क्या है कि सिस्टम विल बी फर्स्ट, कि मुत्तहिद लोग होके जब लोग काम करेंगे तो उसका इदारों को फायदा होता है, इंडिविजुअल एफर्ट्स का इतना ज्यादा फायदा नहीं होता। ठीक है, आज चूंकि जुमे की वजह से सेशन हमारा 1 और 30 मिनट्स का या 90 मिनट्स का था, तो इंशाल्लाह कल जो है वो 2 आवर्स का सेशन होगा। तो इंशाल्लाह कल और डिटेल के साथ हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे।